हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं ऑनलाइन इंडिया जॉब। दोस्तों, अगर आप एक मोबाइल में एक साथ में 6 से ज़्यादा फेसबुक अकाउंट यूज करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मैं आपको कम्प्लीटली सोल्यूशन बताने वाला हूं कैसे आप अपने मोबाइल में एक साथ में 6-6 फेसबुक अकाउंट चला सकते हो बिना लॉग आउट किए। इसमें क्या होता है ना, जैसे हम बार बार कोई अकाउंट को लॉग इन करते हैं, लॉग आउट करते हैं, कुछ दिनों के बाद हमारी जो अकाउंट होता है बंद हो जाता है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, जो हम अगर आप एक ही साथ में कोई भी अकाउंट को लॉग इन करके रखते हैं, 6-7 अकाउंट को लॉग इन करके रखते हैं, बहुत ही आसानी से हमें कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या होगा, जैसे कि आप इस वीडियो को देख रहे हो और यहाँ से आपको एक लाइक बटन दिखाई दे रहा है, उसमें क्लिक करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। देन यहाँ पे एक रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है, उसमें क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में ये बेल आइकन दबा दीजिए। इसको करने से क्या होगा दोस्तों, मैं नेक्स्ट टाइम जो भी नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। देन आपको करना क्या होगा दोस्तों, देखिए सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक है फेसबुक लाइट और ये है फेसबुक, है ना। तो आपको ये एप्लीकेशन, दोनों एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों, अगर आप MI फ़ोन यूज़ करते हो तो मैं आपके लिए सबसे पहले बता रहा हूँ MI के फ़ोन, तो सेकंड में आपको बताऊँगा जिसके पास MI का फ़ोन नहीं है वो कैसे करेंगे, उनके लिए भी बताऊँगा। तो चलिए, अगर आप MI का फ़ोन यूज़ करते हो तो मैं आपको बता देता हूँ आपको सबसे पहले क्या करना है, ठीक है। दोनों के लिए बताऊँगा, यानी कि जिसके पास MI का फ़ोन नहीं है उनके लिए बताऊँगा, और जिनके पास है वो भी कर सकते हैं, और जिनके पास है वो आसानी से कर सकते हैं। MI का फ़ोन से ये ऑप्शन है, अगर जिनके पास नहीं है वो भी कर सकते हैं। देखिए, आपको जाना है MI का जो सेटिंग होता है, सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है डुअल ऐप में, ठीक है। और डुअल ऐप में जाने के बाद MI फ़ोन में डुअल ऐप में जाने के बाद यहाँ से देखिए दोस्तों, मैं फेसबुक को और फेसबुक लाइट को दोनों को डुअल करके रखा है। अगर मैं चाहूँ यहाँ पर व्हाट्सअप, आर्ट फ्लाई, अमेजोन, जो एप्लीकेशन को चाहो डबल यूज करना तो कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको फेसबुक के दिखाने वाला हूँ। तो फेसबुक मैंने ऑलरेडी करके रखा हूँ, ठीक है। तो चलिए हम इसको ओपन कर देते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे मैंने डबल करोगे तो ये डबल बन जाएगा। देखिए, दो फेसबुक बन गया और दो फेसबुक लाइट बन गया। तो यहाँ से मैंने हर एक अकाउंट का लॉग इन करके रखा हूँ, आप देख सकते हो। मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ये देखिए, यहाँ पे एक अकाउंट लॉगिन होके है पहले से, और ये फेसबुक में भी एक अकाउंट लॉगिन होके है पहले से, ठीक है। और यहाँ पे ये भी एक लॉगिन होके है पहले से। तो इसी तरह यहाँ पे मैं आपको 4 फेसबुक बन गया, ठीक है। फेसबुक एप्लीकेशन 4 बन गया यहाँ से, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको UC मिनी एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। आप UC ब्राउजर भी कर सकते हो, UC ब्राउजर में भी ऑप्शन रहता है। चलिए, हम जैसे आप UC मिनी ओपन करते हो, यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है फेसबुक, यहाँ से भी आप लॉग इन कर सकते हो एक अकाउंट, और यहाँ पे गूगल में भी एक अकाउंट लॉग इन कर सकते हो। सिंपली देखो, 4 यहाँ पे बन गया, 2, 6 बन गया, अभी एग्जिट हो जाते हैं। और इसमें UC मिनी में आप दो फेसबुक आईडी आराम से यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ पे ये हो गया 4, ये हो गया 2, 6, और इसमें भी आप एक कर सकते हो। गूगल क्रोम में आप जाके यहाँ पे आप अगर आप सर्च कर लेते हो फेसबुक, तो यहाँ से भी आप एक अकाउंट को लॉगिन करके रख सकते हो। इसमें क्या होगा ना, आपको बार बार कोई भी अकाउंट को लॉगिन या फिर लॉगआउट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट है, अगर मैं यहाँ पे अभी लॉगिन करूँगा तो लॉगिन हो जाएगा। तो इसी तरह आप कर सकते हो, एक ही मोबाइल में जितना फेसबुक अकाउंट चाहे यूज कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपके पास MI का फ़ोन नहीं है तो आप क्या करोगे, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको जाना है प्ले स्टोर में और यहाँ से आपको एक एप्लीकेशन को ढूंढ लेना है जिसका नाम है पैरेलल स्पेस। ये देखिए, ये आ गया दोस्तों। ये एप्लीकेशन का काम ये होता है कि हर कोई एप्लीकेशन को डुअल बना देता है। आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर, देखिए ये फेसबुक दोनों बना दिया, व्हाट्सअप दोनों बना दिया, मैसेंजर दोनों बना दिया, और इंस्टाग्राम दोनों बना दिया। इस तरीके से आप ये एप्लीकेशन, हर एक एप्लीकेशन को डबल कर देता है। तो आप आसानी से कर सकते हो अपने एप्लीकेशन को, अपने फेसबुक अकाउंट को डुअल बना सकते हो। तो दोस्तों, मैं ये ट्रिक आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं जो लोग ज़्यादातर ऑनलाइन पोस्टिंग वगैरह करते हैं फेसबुक में, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि उनको ज़्यादा पोस्टिंग करना होता है तो ज़्यादा अकाउंट में करेंगे, और हर बार एक अकाउंट को लॉग इन लॉग आउट करना ये भी आसान नहीं, मतलब बहुत टाइम भी लगेगा। और दूसरी तरफ से अगर आप इसी तरह 10 दिन तक करते हो ना, तो फेसबुक वाले ना आपके अकाउंट को बंद कर देते हैं। तो इसमें आपका पूरा अकाउंट भी सेफ रहेगा, आपका टाइम भी बचेगा, सब कुछ आपका
फैसिलिटी में रहोगे आप। ठीक है दोस्तों, दोस्तों बस यही था ट्रिक, सिंपल सा ट्रिक है और बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि सबको पता चले हम कैसे एक मोबाइल में 6-7 एप्लीकेशन को भी, 6-7 फेसबुक अकाउंट को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपने अपने कीमती समय दे के हमारे साथ इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।